फिर चला योगी के इस नेता का चाबुक, बेजुबानों की हालत देखकर हो गई भावुक। कानपुर की मेयर परमिला पांडे का रौद्र अवतार, मांसाहार पर बना प्रहार। अवैध मांस विक्रेताओं की हो गई खटिया खड़ी, बीच चौराहे पर बेजुबान के लिए परमिला पांडे लड़ी। अभी हाल ही में योगी के इस नेता ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद आसपास के देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसने अभी बीते दिनों बिजली की समस्या के लिए अधिकारियों की क्लास लगा दी थी, जिन अधिकारियों को 24 घंटे की एसी की हवा खाने की आदत थी, उन अधिकारियों को बिना पंखे बिना एसी की बहुत देर तक बैठाया ताकि उनको जनता की समस्याओं को करीब से समझने में सरलता हो। इस नेता को हम परमिला पांडे के नाम से जानते हैं और आम भाषा में इनको कानपुर वासी अम्मा जी कहते हैं। और इन्हीं परमिला पांडे ने हाल ही में जो एक्शन लिया उसके बाद सड़कों पर खुलेआम कत्लेआम की कर्ता धर्ता के पसीने छूट गए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि कानपुर में साउथ इलाके में राउंड लगा रही परमिला पांडे ने पराग डेयरी के पास खुले में दुकान लगाकर मीट मछली बेचने वाले को देखकर परमिला पांडे का पारा हाई हो गया और फिर परमिला पांडे ने सड़क पर ही मीट बेचने वालों की क्लास लगा दी। कानपुर की महापौर यही नहीं रुकी, उन्होंने नगर निगम की गाड़ियों में मछली को भरवा कर उसे गंगा में छुड़वा दिया, जबकि मांस को फेंकवा कर दुकानदारों को चेतावनी दी कि दोबारा ऐसा काम ना करें। तो वहीं मंडी के दुकानदारों ने आरोप लगाया कि उनके दुकान की मीट मछली सब ले गई, इससे उनका बहुत नुकसान हुआ। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, अब खूब सुर्खियां बटोर रहा है। कोई परमिला पांडे को सही बता रहा है तो कोई गलत। सही बताने वाले तर्क ये दे रहे हैं कि बेजुबानों को मारकर अपने जीविका का साधन बनाना हत्या के बराबर है, ये लोग कोई और काम क्यों नहीं कर लेते, ये काम कौन सा होता है कि किसी निर्दोष की निर्मम हत्या करके अपनी जेब और अपना पेट भरा जाए। तो वही लोग कुछ तर्क दे रहे हैं कि किस तरीके से मीट की दुकान लगाने पर गंदगी फैलती है और इस गंदगी से कई बीमारियों का जन्म होता है जो बच्चों और बड़ों के लिए हानिकारक होता है। तो कोई परमिला पांडे को शाबाशी दे रहा है और कह रहा है वाह अम्मा जी वाह। लेकिन इन सबके बीच एक अमला ऐसा भी है जो मेयर के इस काम को गलत बता रहा है और कह रहा है कि किसी के मुंह से निवाला छीनने का अधिकार किसी को नहीं, किसी गरीब आदमी को परेशान करना गलत है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना यह भी है कि मेयर के इस एक्शन से मीट के दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है। उनके जाने के बाद दुकानदारों ने कहा कि हमारी सारी मछलियां सब भर कर ले गई, हम लोग खरीद कर लाए थे। वहीं इस मामले पर मेयर परमिला पांडे का कहना है खुले में दुकानें नहीं लगेंगी, नगर निगम ने पहले ये नियम बना चुका है मीट मांस बंद दुकानों पर ही बेचे जाएंगे। तो वहीं मेयर के पीआरओ प्रशांत शुक्ला ने बताया कि उनको गंगा बैराज में गंगा में छुड़वा दिया गया है क्योंकि वो पानी में भर रखी थी और जो मांस था उसको फेंकवा कर दुकानदारों को चेतावनी दी गई है। तो आपका इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।